हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आउटपुट डिवाइस के 2 डिवाइसेस करवा दिए थे, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। आज अपन देखेंगे मैग्नेटिक टेप से। तो आज हम ये आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे हमारी सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी में हमने हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क हमने पढ़ चुके थे। अब थर्ड टाइप पे आते हैं हम, मैग्नेटिक टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से सुनना, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बैकअप स्टोरेज मीडिया। ये क्या है? एक टाइप से बैकअप स्टोरेज मीडिया है। स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ मैग्नेटिक टेप सिमिलर टू द कैसेट टेप डेट वी यूज़ फॉर अ स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द म्यूजिक। मेनली हम इसको कैसेट टेप, जो पुराने जमाने में कैसेट टेप होती थी जो टेपों में लगती थी, बिल्कुल वैसा ही है। स्टोरेज और रिकॉर्डिंग म्यूजिक करने के लिए जो कैसेट टेप यूज आती थी, बिल्कुल उसी की तरह है। इट इज़ मेड अप ऑफ माइलेयर और पॉलिस्टर। ये किससे बना होता है? मेलेयर और पॉलिस्टर से। इट इज़ जनरली 2400 to 3600 feet लॉन्ग, ठीक है। जनरली कितना लॉन्ग होता है? 2400 to 3600 ये लॉन्ग होता है, और हाफ एन इंच वाइड, और हाफ और इंच वाइड होता है। द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर ऑन अ मैग्नेटिक टेप इज इनॉर्मस इन कंपेरिजन टू द पंच कार्ड पेपर टेप, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ डेटा है जो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, वो पेपर टेप और पेपर पंच कार्ड के बजाय ज़्यादा है। मतलब हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक टेप में। इट कैन बी रीयूज फॉर स्टोरिंग द डेटा बाय राइटिंग, मॉडिफाइंग, रेजिंग द ओल्ड डेटा, ठीक है। हम रीयूज कर सकते हैं इसे, ठीक है, वापस से राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे ओल्ड डेटा को। तो मैग्नेटिक टेप इज ड्राइव नीडेड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन अ मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या होता है? इस ड्राइव में रीडिंग और राइटिंग दोनों होते हैं, क्योंकि हम इसे मॉडिफाइड, इरेज और वापस से डेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स हैव अ 2 tape reels, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 2 tape reels होती हैं। द ओल्ड रील कंटेनिंग द टेप टू बी रीड एंड राइट इज कॉल्ड अ फाइल रील एंड अदर इज कॉल्ड अ टेकअप रील, ठीक है। इसमें 2 reel होती है, रीड एंड राइट की जो रील होती है उसे हम फाइल रील कहते हैं, और अदर रील को क्या कहते हैं? हम टेकअप रील। अब देखते हैं हम सीडी रोम क्या होती है, ठीक है। 4 type के आता है हमारे सेकेंडरी मेमोरी का सीडी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 1 GB। हम 1 GB तक डेटा हमारे सीडी रोम में, जो सीडीओज होती है उनमें हम स्टोर कर सकते हैं। Although the most common size is 650 MB, लेकिन मोस्टली हमें कितना मिलता है? 650, ठीक है। डेटा इज रिकॉर्डेड परमानेंटली ऑन द सर्फेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क थ्रू द यूज ऑफ लेज़र, ठीक है। जो डेटा है वो हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इसमें, किसकी मदद से? लेज़र की मदद से। ऑप्टिकल डिस्क जब लेज़र पड़ती है तो हम उसमें डेटा क्या होता है हमारा रिकॉर्ड होता चला जाता है। द लेज़र बर्न्स द होल ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। जब मैन्युफैक्चर होता है तो लेज़र क्या करता है? ये होल होता है वो बना देता है, होल बना करके हमारे डेटा को क्या करता है? एक कैपेसिटी बना देता है उसकी डेटा को स्टोर करने की, ठीक है। द लेज़र बीम ऑफ द लो इंटेंसिटी इज यूज टू रीड द डेटा रिकॉर्डेड ऑन अ डिस्क। जो लेज़र बीम है बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, और किस लिए यूज़ किया जाता है? हमारे डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम सीडी ड्राइव टू राइट द डेटा ऑन द सीडी राइटर इज नीडेड, ठीक है। हमें सीडी को एक्सेस करने के लिए हमें सीडी ड्राइवर चाहिए होता है, और सीडी पे कुछ डेटा लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सीडी राइटर चाहिए होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉर्म, इसे हम वॉर्म भी कहते हैं। राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिखो और बार बार चला चला के म्यूजिक सुनो या बार बार उसे रीड करो। डिस्क, बिकॉज डेटा कैन बी रीड मैनी टाइम्स फ्रॉम द सीडी बट एनी मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें क्या होता है? हम बहुत बार लिख सकते हैं डेटा, बहुत बार हम कर सकते हैं इसमें, बहुत बार हम रीड कर सकते हैं डेटा को, लेकिन लिखा एक बार ही जाता है, ठीक है। हम सीडी में बार बार डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है। जो हमने लिखा है मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो जो हमने लिखा है बस वो जो डेटा लिख दिया वो डेटा लिख दिया। ऑप्टिकल डिस्क आर ऑल्सो अवेबल, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क अवेबल होती है, ठीक है। जो हमारी सीडी होती है, सीडी रोम आर पर्टिकुलर सूटेड इन्फॉर्मेशन डेट रिक्वायर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सही है। अगर हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर करनी है तो इट इंक्लूड्स लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसमें लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हम डाल सकते हैं, सपोर्ट कलर, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, ठीक है। आपने काफ़ी देखा होगा सीडी आती है, वीडियो गेम्स की आती है, कलर, ग्राफिक, साउंड, इन सब की सीडी आती है। 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इन डेटा स्टोरेज इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और रीड विद द 3D रिजोल्यूशन।
थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन और एंड डेटा और इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ मल्टीपल लेयर इन अ ऑप्टिकल डिस्क. क्योंकि ये डिस्क होती है, इसे मल्टीपल लेयर्स में क्या होती है, हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है. अब सी डी रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ठीक है, ये अलग है, वो अलग थी. सी डी रोम अलग होता है, सी डी रीड राइट अलग होती है. सी डी रीड राइट इज ऑप्टिकल डिस्क, ये है ऑप्टिकल डिस्क, डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क ऑप्टिकल इज इन द यूज ऑफ द लेजर बट इट कैन बी रेज, ठीक है. इसलिए सी डी रोम में हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते, एक बार जो हमने लिख दिया वो लिख दिया, वो फाइनल होता था. लेकिन सी डी रीड राइट में हम डेटा को कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उसे वापस से मिटा के वापस से डेटा लिख सकते हैं. एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सी डी रीड राइट ड्राइव इज नीडेड. अगर हमें सी डी चलानी है तो हमें सी डी रीड राइट ड्राइव चाहिए होती है, ठीक है. अब देखते हैं हम डी वी डी क्या आती है हमारी. डी वी डीज, डी वी डी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इसके फुल फॉर्म है फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं. इट इज़ अ वर्किंग टेक्निक इज लाइक अ सी डी रोम. इसकी वर्किंग टेक्निक कैसी है, बिल्कुल सी डी रोम की जैसी है, ठीक है. इट इज़ अ सिंगल और डबल साइडेड एंड ईच साइड कैन स्टोर वन और टू लेयर्स ऑफ द डेटा. इसमें दोनों साइड हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, आगे की भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं. इट स्टोर्स मिनिमम 4.37 GB डेटा और फुल मूवी ऑफ और वेरी गुड क्वालिटी DVD, ठीक है. हम इसमें 4.7 GB तक डेटा भर सकते हैं. देखो ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम CD में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं और DVD में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि हम CD में तो MBs में करते हैं वन जी बी है ना, और 650 MB, ठीक है. और हम यहाँ पे जो हमारी DVD है उसमें हम कितना कर सकते हैं, 4.73 GB, ठीक है. वीडियो इंक्लूडिंग सेवरल ऑडियो, ये सब आपको बता रखा है, लाइक स्टोरो डॉबली डिजिटल, ठीक है. थोड़ा प्रिंट भी अच्छा नहीं है, आप पढ़ना ही सिर्फ DVD के टाइप बता रहा है. इट कैन बी प्लेड बाय DVD प्लेयर. हमें DVD को कहाँ से लगता है, DVD प्लेयर में, एंड मोस्ट कंप्यूटर DVD रोम, ठीक है. और कई कंप्यूटर में DVD रोम होती है, वहाँ पे डबल साइड एंड डबल लेयर DVD कैन स्टोर 70 GB ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है. जो डबल साइडेड होती है, जो आगे से भी और पीछे से भी दोनों साइड से हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है 17 GB. नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन आते हैं पेन ड्राइव पे. पेन ड्राइव क्या होती है, देखिए इट लुक्स लाइक ए स्मॉल की, बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे स्मॉल कीरिंग जैसा. मोस्ट पेन ड्राइव आई यूज अ स्टैंडर्ड USB. कहाँ पे लगती है पेन ड्राइव, USB में, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है. USB कनेक्शन होता है अलाउइंग प्लगिंग इनटू अ पोर्ट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है. एक आपने कंप्यूटर PC देखा होगा, उसमें साइड में पोर्ट होता है, ठीक है. इसमें नहीं होता, जो हमारा CPU होता है उसमें होता है, कंप्यूटर में तो, और लैपटॉप में जो लैपटॉप होता है आपके उसके साइड में होता है. जो ये होता है इसके यहाँ की साइड देखना, ये यहाँ की साइड देखना, आपको पोर्ट दिखेंगे बहुत सारे, वो कहते हैं USB पोर्ट. उनमें क्या लगती है, हमारी पेन ड्राइव लगती है. USB पेन ड्राइव इमुलेट्स अ स्मॉल डिस्क ड्राइव एंड अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है. हमारा जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफर होता है. वे इट वर्क इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपली वर्क करती है, एंड ऑल्सो वर्क वेरी फास्ट, और बहुत फास्ट भी है. इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड बाय USB इंटरफेस. इसमें फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोर की कैपेसिटी भी होती है, ठीक है. इट इज़ टिपिकली रिमूवेबल एंड रीराइटेबल सिंस इट इज रिलेटिवली न्यू डिवाइस. स्टोरेज कैपेसिटी कैन रेंज फ्रॉम 6 MB टू 56 GB. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव, ठीक है. ये याद रखना, फ्लैश ड्राइव इसको कहते हैं, हम पेन ड्राइव को कहते हैं. इसकी जो कैपेसिटी वो कितनी होती है, 6 MB से लेके हम 256 GB तक डेटा हम इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं. ये रिमूवेबल होती है, हम रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है. और इसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ द EEPROM मेमोरी, किसका एग्जाम्पल है, EEPROM जो मेमोरी हमने देखी थी, ये सिंपली उसका एग्जाम्पल है. The most common use of the USB pen drive is to transport personal data to or store personal files such as document, picture, videos. ठीक है, मेनली यह किस में यूज़ आता है, ट्रांसफ़र करने के, जैसे हमें लैपटॉप से मोबाइल में डालना, मोबाइल से लैपटॉप में, या फिर हमें पेन ड्राइव से लैपटॉप में डालना, लैपटॉप से पेन ड्राइव में लेना, तो मेनली डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियोज़, इसको ट्रांसफ़र करने के काम आता है. वन कैन ऑल्सो स्टोर मेडिकल अलर्ट इन्फॉर्मेशन और इमरजेंसी, और वैसे काफ़ी जगह काम आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए उसमें पेशेंट का डेटा स्टोर करने के लिए, पुलिस स्टेशन हो गए उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, और जहाँ पर भी हमको डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर करना होता है, तो हम पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं. कि ले जाने में भी सिंपल होती है, छोटी सी होती है, ठीक है, और बहुत सारा डेटा ये स्टोर कर लेती है. देन हम लास्ट आते हैं हमारा
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस लास्ट है कौन सा, फ्लैश मेमोरी, इट इज समटाइम कॉल्ड फ्लैश रैम, इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लैश रैम, ये नॉन वॉलेटाइल होती है कंप्यूटर स्टोरेज, इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीप्रोग्राम, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इरेज कर सकते हैं, ये क्या है, रीप्रोग्राम भी हम इसे कर सकते हैं, इट इज़ यूज इन सेलर फोन मेनली, कहाँ काम आती है, सेलर फोन में डिजिटल कैमरा और डिजिटल सेटअप बॉक्स इनमें ही काम आती है फ्लैश मेमोरी। तो दैट्स इट ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, अब 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर लूसेंट का, अब नेक्स्ट करेंगे। और हाँ, इसी के साथ मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, एक बिग अनाउंसमेंट, मैं मेरे चैनल पे सेट की, जो सेट की हमारी क्लासेस हैं वो मैं चालू करने वाली हूँ मेरे चैनल पे, इस पर मैं करूँगी सेकेंडरी लेवल से, ठीक है, सेकेंडरी लेवल का जो हमारा फेब में पेपर होने वाला है सेकेंडरी लेवल का, ठीक है, उसकी मैं सेट की कंप्यूटर की क्लासेस मैं आपको पूरा अच्छे से एक 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 वीडियो डालूंगी, एक एक चीज़ डालूंगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, उसका भार आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे नोट्स बन रहे हैं अभी, जैसे मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक 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 आपको वीडियो डालना चालू कर दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।